आज इस वीडियो में देखिए स्किन को फर्म और टाइट रखने के लिए बहुत ही आसान लेकिन बहुत इफेक्टिव होममेड स्किन टाइटनिंग फेस मास्क। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. Assalamualaikum, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही स्ट्रेसफुल गुजरा, लेकिन मेरे ख्याल जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर भी जाते हैं, तो हम सब ने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन फिर भी दुआ है कि ये जो नया साल है वो सबके लिए, हर इंसान के लिए बहुत अच्छा साबित हो और पिछले साल के मुकाबले में जो है वो काफ़ी बेहतरी लेकर आए पूरी दुनिया में। ओके जी, आज जो है वो मैंने सोचा नया साल शुरू हो चुका है तो एक ज़बरदस्त वीडियो हो जाए, और वो वीडियो जिसके लिए आपने इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि गज़ल स्किन लूज़ हो जाती है, स्किन को फर्म और टाइट रखने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए, स्किन जो लूज़ होती है ना, उसके ज़ाहिर एक तो एजिंग फैक्टर होता है उसका, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी स्किन का कॉलेजन होता है। कॉलेजन हम सुनते हैं, लेकिन आपको आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं कि कॉलेजन जो है वो समझिए एक स्किन के नीचे कुशन होता है ना, जो सॉफ्ट सॉफ्ट फर्म बनाता है हमारे स्किन को, समझिए ग्लू होता है जो स्किन को टाइट रखता है। तो वो वक्त के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन कम होने लगती है, लेकिन ये तो एजिंग प्रोसेस तो ज़ाहिर एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर एज से पहले प्री मेच्योर एजिंग होने लगे, ये साइंस नज़र आने लगे, तो वो फिर आप समझ लें कि आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल में। तो फ़ौरन से फिर सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाया जाए। एक और बहुत बड़ी वजह होती है स्किन जो एकदम से लूज़ हो जाती है ना, वो ये कि रातों रात ख्याल आ जाता है हमें कि हम बहुत मोटे हो गए हैं, वज़न बहुत बढ़ गया है। हालांकि कि कई महीनों से जो है वो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी होता है, उस पर हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और एक रात एकदम से हमें ख्याल आता है बस वज़न कम करना है, और फिर हम अपनी बॉडी के साथ इतना बुरा करते हैं कि एकदम से सब कुछ खाना छोड़ देते हैं ताकि वज़न फ़ौरन से कम हो। ये इतना ख़तरनाक होता है, इससे स्किन इतनी लूज़ कर जाती है, स्किन बेचारी उसको हील करने का मौका नहीं मिलता है। और जब हम ग्रेजुअली जब वज़न कम करते हैं तो हमारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता हील होती रहती है और वो टाइट भी होती रहती है वज़न के साथ साथ। लेकिन आप कमेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि गज़ल कोई बहुत ही आसान सा तरीका बताएं। अब आसान सा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनली हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, उस तरह से यकीनन बाहर से भी हमें अपनी स्किन का, बालों का, सबका ख्याल रखना चाहिए। तो ये मास्क जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, स्किन टाइटनिंग मास्क, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आपको पहली दफ़ा लगाने के बाद आपको बेहतर चेंज नज़र आएगा आपकी स्किन में, और इसकी मुस्तकिल इस्तेमाल से आपकी स्किन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली टाइट होने लगेगी, फर्म होने लगेगी। तो बहरहाल आपके साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी हैं, बहुत सारी वीडियोस पे काम हो रहा है, बन रही हैं, तो जैसे जैसे वो बन जाती हैं तो मैं अपलोड करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं होता किस वक्त मैं अपलोड करती हूँ वीडियो, किस वक्त किस दिन, क्योंकि इतनी मेरी खुद अपनी लाइफ ही बिज़ी है, इतना मेरा बिज़ी स्केड्यूल होता है, तो जैसे जैसे वीडियो बनती जाती हैं तो मैं शेयर करती जाती हूँ आपके साथ। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करते हैं तो वो वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी। बहरहाल तो जल्दी से देख लीजिए कि किस तरह से बनेगा ये जो एंटी एजिंग स्किन टाइटनिंग का जो मास्क है, बहुत आसान और बहुत इफ़ेक्टिव। लेकिन इसको लगाते वक्त दो तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले देख लीजिए कैसे बनेगा। यह है गोंद, जिसे गोंद कतीरा भी कहा जाता है। ये अक्सर आपने खाई होगी, लेकिन इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी लूज स्किन को फर्म करने में बहुत मदद करती हैं। और ये है योगर्ट यानी दही। दही जो है हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उनको श्रिंक करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टाइट रहती है। और ये मैं शामिल कर रही हूँ प्योर रॉ क्रीम्ड हनी यानी शहद। शहद जो है वो ज़रूरी नहीं आप यही वाला शहद यूज़ करें, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि प्योर शहद, आप प्योर हनी यूज़ करें। हनी जो है हमारी स्किन को नरिश करती है, हमारी स्किन को प्लम्प बनाती है, इलास्टिसिटी बढ़ाती है हमारी स्किन की, जिसकी वजह से हमारी स्किन यूथफुल लगती है। और एक चम्मच मैंने गोंद कर ले लिया है और इसको मैं पीस रही हूँ। इसको अच्छी तरह से पीस लेना है इस तरह से, और ये 1 टीस्पून पीसी हुई गोंद है। इसमें 2 टीस्पून मैं योगर्ट के शामिल करूंगी यानी दही के, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून में
प्योर हनी यानी शहद शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसकी इस तरह से जेल की तरह कंसिस्टेंसी हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता फौरन, तो इसको आप बना के रख लीजिएगा और आधे घंटे के बाद यूज़ कीजिएगा। आपको याद होगा आपके साथ मैंने एंटी एजिंग सीरम शेयर किया था जो रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, और उसका बहुत अमेजिंग मुझे फीडबैक मिला। थैंक यू सो मच। अगर आपसे मिस हो गई हो वीडियो तो वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो नज़र आ रही है आपको, लिंक भी मैं शेयर कर लेती हूँ, आपकी आसानी के लिए इसे क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो वो आपको एंटी एजिंग सीरम भी अप्लाई करते रहना है, लगाते रहना है, उससे भी आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और ये जो स्किन टाइटनिंग मास्क है इसको लगाते वक्त आपको तीन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है जी। एक बात तो ये कि जब आपने फेस वॉश कर लिया, इसको लगा लिया, 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा, आपने फेस पर लगा लिया, नेक पर लगा लिया, उस दौरान आपको बात नहीं करनी है, फेस को हिलाना नहीं है, हंसना नहीं है, बिल्कुल खामोश रहना है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसको जब आप रिमूव करें 15 मिनट के बाद, अच्छा बाय द वे जब ये 15 मिनट में जब ड्राई होने लगेगा तो आपकी स्किन बहुत टाइट और एक खिंचने वाली फीलिंग आएगी, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, तो ये होना चाहिए। और उसके बाद जब आप रिमूव करें तो डायरेक्टली आपको फेस वॉश नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा पानी लेके इस पूरे मास्क को गीला कर देना है हल्का सा। उसके बाद आपको हल्के हल्के फिंगर्स के स्ट्रोक से आपको ऊपर की तरफ मसाज करना है, पूरे फेस पर, नेक पर, आपने फॉरहेड पर, सब पर मसाज करना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। और तीसरी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि उसके बाद ठंडा पानी जितना बर्दाश्त कर सके, मैं तो बर्फ़ वाला पानी ले लेती हूँ, उसमें साफ़ सुथरा एक टॉवल निचोड़ के, अगर बर्फ़ ना डाल सकें ज़्यादा ठंड लगे तो फिर आप नलके का जो ठंडा पानी होता है उसमें टॉवल को निचोड़ के अच्छी तरह से फेस पर रख दें 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप बस कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लें और आप देखिएगा एक ही दफ़ा में आपको कितना बेहतर चेंज नज़र आएगा अपनी स्किन में, और आप सोचें इसके करते रहने से आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, सब लगा सकते हैं इसको, डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी लूज़ है। आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, 4 दफ़ा भी लगा सकते हैं, आप डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। और अगर आपको लगता है 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने आपने लगाने के बाद थोड़ी स्किन आपकी काफ़ी बेहतर होने लगी है, तो फिर आप 1 वीक भी लगाएं, 2 वीक भी लगाएं, इट्स अप टू यू। जितना आप इसको लगाते जाएंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप अपने फेस में चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि एकदम से आपकी स्किन लूज़ भी नहीं हुई होगी, यकीनन सालों लग जाते हैं, टाइम बहुत लगता है, तो एकदम से रातों रात बिल्कुल स्किन दोबारा बिल्कुल रिवर्स तो नहीं हो जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम करने से यकीनन आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। तो आई एम श्योर आप अपना ख्याल रखेंगे, इंटरनली भी अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, अपने पूरे सिस्टम को हेल्दी एक तरफ ले आएंगे, और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो यकीन करें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत जल्दी होने लगेगी, टाइट और फर्म होने लगेगी। तो अपना ख्याल रखना है, इसे यूज़ करना है तसल्ली के साथ, कंटिन्यूसली इस पर काम करना है, ठीक है जी। और अब जल्दी से मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब बहुत जल्द मिलूंगी एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।